प्रणाम, मैं भी वही हूं जो आप हैं, मां भारती की संतान। आपकी तरह मेरी शराओं में भी तपस्वियों का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आता हूं जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्मयोग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पी के दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्येवाधिकारस्ते गाता है, तीनों लोकों का स्वामी होके भी माखन चुराता है और महाअवतार होके भी मां के हाथों मार खाता है। मैं राम के भारत से आता हूं जहां पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूं जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है, एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जानता है और पांच पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। मैं उस भारत से आता हूँ जो ना कभी रुका, ना झुका, ना डरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत भूखंड के पूर्वी तट पर बसा उत्कल प्रदेश, यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है। पर्वत, नदियाँ, झील, झरने इसके शोभा में चार चांद लगाते हैं। यहाँ की बोली में मिठास है, इस भूमि में श्री जगन्नाथ जी का वास है। उत्कृष्ट कला के कारण इस प्रदेश का नाम उत्कल था, जो आज भी अपनी सुंदर हस्तकलाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिरों पर खुदी हुई मूर्तियाँ हो, चाहे यहाँ का वस्त्र शिल्प, चांदी का बारीक काम हो या चंदवा बनाने का कार्य, यहाँ कदम कदम पर कला के दर्शन होते हैं।
जादू गारा, रंग जादू